हेलो स्टूडेंट्स अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन एंड वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक नीट यू जी दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव आज के सेशन के अंदर स्टूडेंट्स लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइट इशू की वजह से वो थोड़ा सा रह गया था वही आज मैं आपको कंटिन्यू करने वाली हूँ और सेशन के लास्ट में मेरे लिए मेरे पास आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं ठीक है नेक्स्ट मैं आपको अनाउंसमेंट और आपका फीडबैक भी चाहिए उससे मुझे आप क्या चाहते हैं ऐसा कुछ जो मैंने बताया मैं आपको बताती हूँ सेशन के लास्ट में है। पहले फटाफट से हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बेटा ठीक है चलिए और कल का सेशन में उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा जिसने मेरा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है डॉक्टर शिवानी भार्गव एस बी मैम के नाम से बहुत आसानी से मैं आपको मिलूंगी मेक इट श्योर लास्ट सेशन के एंड में भी मैं बताऊंगी ज्वाइन कर लेना पी डी एफ आपको सेशन के तुरंत बाद अपलोड कर दिया है मैंने आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा ठीक है तो मेक इट श्योर कि आप सभी ज्वाइन कर रहे हैं डी के लिए चलिए तो बच्चा फटाफट से फटाफट से शेयर करो यार लिंक को लिंक को शेयर कीजिए नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स इंक्रीज कीजिए बच्चों मैं आपके साथ लास्ट सेशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के सेशन में और बहुत आसानी से क्योंकि मोस्टली कंसेप्चुअल चीजें जो थोड़ा सा आपको दिक्कत होती थी एनसीआरटी के बियॉन्ड सब मैं साथ में ही टच कराती जा रही हूँ हम जब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको मजा आ जाएगा सॉल्व करने में ठीक है तो आप फटाफट से अपने लिंक को शेयर कीजिए इससे पहले मैं आपको हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूँ अगर स्टूडेंट्स आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ अनकेडमी प्लस वो हमारा पेड प्लेटफॉर्म है वहां पर जुड़कर साल भर नीट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हो वहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी बट वो लाइव क्लासेस बहुत ही इंटरेक्टिव पैनल होता है वो यूट्यूब से थोड़ा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है एक्चुअली वो हाई लर्निंग ऐप ही है तो वह बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है हर तीन क्लास के बाद एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है आपका वैसे मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लास के अंदर ही एंटरटेन हो जाते हैं बट फिर भी हर तीन क्लास के बाद एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें लाइव फैकल्टी आपको आपके डाउट्स क्लियर करती हैं थ्योरी आप पढ़ लोगे आपको टेस्ट पेपर की जरूरत होती है क्विजेज होने चाहिए मॉक टेस्ट होने चाहिए ये सब आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिलता है ठीक है बाकी सब जगह ये दो चीजें तो मिलती होंगी खैर इतने अच्छे एडुकेटर्स नहीं मिलेंगे और दूसरी चीज आपको रिवीजन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं कराता हमारे प्लेटफॉर्म पर अगर आप एक साल दो साल के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा ड्यूटी सिर्फ ये नहीं कि जस्ट एक बार हम सिलेबस कंप्लीट कराते हैं वी विल मेक श्योर कि आपका बहुत बेहतरीन रिविजन हम एंड में कराते हैं बहुत बेहतरीन सीरीज आपके लिए आती है ठीक है फिर एक डाउट बच्चों को ये आता है कि मैम चलिए आपका हमने ले भी लिया अगर सब्सक्रिप्शन ले भी लिया हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या होगा अरे बाबा फिजिक्स केमिस्ट्री ही नहीं एज आई टोल्ड यू नेटफ्लिक्स का एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो नेटफ्लिक्स के अंदर जो भी वेब सीरीज है जो भी मूवीज है जो कुछ भी है वो सब आप हैंडल कर सकते हैं सब आपके कमांड में आ जाता है वैसे ही जस्ट विद ए सिंगल सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस होता है हमारे यहाँ पर एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो जैसे वहां पर बहुत सारी वेब सीरीज बहुत सारी मूवीज है हमारे यहाँ पर इंडिया के फोर्टी प्लस टॉप एडिकेटर्स अन अकेडमी प्लस पर एकदम लाइव पढ़ाते हैं तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो जितने भी एडुकेटर्स हैं वो सब आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं आपकी मर्जी आए जिस भी टॉपिक में जिस एडुकेटर के साथ आपका फ्रीक्वेंसी मैच करे आप उनके साथ उसके अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं तो ये सारी चीजें आपको हमारे अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी ठीक है बच्चा मेरा बैच कोर्स स्टार्ट हो चुका है 2021 और 2022 जिनका टारगेट ईयर है मैं पहला मॉड्यूल कंप्लीट कर चुकी हूं दैट इज द प्लान डायवर्सिटी कंप्लीट हो चुका है और जेनेटिक्स अभी अभी है तो अभी तक भी आपने एनरोल नहीं किया तो आप फटाफट से इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं सिंपल सा स्टेप बेटा करना क्या होगा आपको आपको प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करोगे उसके तो बाद दूसरा ही ऑप्शन आपके सामने प्लस सब्सक्रिप्शन का आता है आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा आपको उसमें नीट यूजी भरना है फिर उसके बाद वन थ्री सिक्स ट्वेल्व फोर मंथ के सब्सक्रिप्शन यहां पर इस तरीके से अवेलेबल है जितने ज्यादा ड्यूरेशन का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे ये उतना ही ज्यादा आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही साथ साथ भाई हमें नीट की तैयारी करनी है तो एक से दो साल हमें वैसे भी लगने वाला है तो आप वन ईयर या फिर टू ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान पर जाएंगे ठीक है और देखो कॉस्ट इफेक्टिवनेस अगर आप इसका पर डे का लगाओगे तो चालीस रुपये समथिंग ही पड़ता है टू ईयर का सब्सक्रिप्शन इतना सस्ता है इतना सस्ता और इतने अच्छे एडुकेटर्स आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर आपको घर बैठे आपका टाइम भी खराब नहीं हो रहा है आपको आने जाने का जो टाइम खराब होता है ना उसमें तो हम पूरा एक क्लास लगा लेंगे तो वो सारी चीजें यहाँ पर बचती हैं और आप अगर चाहें तो ये फीस आपकी और भी कम हो सकती है इसको कम करने का तरीका जस्ट आपको ये कोड फिल करना है सब्सक्रिप्शन लेते वक्त बिना कोड के कोई सब्सक्रिप्शन लेगा इसके फायदे में बता रही हूं आपको अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं शिवानी एक तो सीधी सीधी सी चीज आपको आपकी फीस पर दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा आप देखो सब जगह दस परसेंट का डिस्काउंट मिल गया है तो एक तो आपको आपकी फीस पर दस परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है प्लस आप इस पर्टिकुलर कोड को यूज करके मेरे मेंटरशिप में मेरे गाइडेंस प्रोग्राम में आ जाते हो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाते हो मतलब पूरे साल भर मैं आपको आपके नीट एग्जाम के लिए गाइड करने वाली हूं मेरा पर्सनल अटेंशन मेरा पर्सनल केयर आपको इस कोड को यूज करने से मिलता है और मेरा सुपर एटीज का जो कॉन्सेप्ट आप ये वीडियो कभी भी देखो मैं सुपर एटीज का कॉन्सेप्ट हर बार अब स्टार्ट कर रही हूँ तो सुपर एटीज के अंदर एंट्री का तरीका यही है सुपर एटीज में जैसे मेनली हमें प्रॉब्लम्स क्या आती है जैसे 90 परसेंट स्टूडेंट इज द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बट

अगर आपको कुछ ऐसा एक कॉन्साइज फॉर्मेट मिल जाए कि आपको सिर्फ यही आपके काम की चीज है आपको जिस टॉपिक हर एक बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है अगर आपको डे वन से कोई ऐसा गाइड करने वाला मिल जाए अगर आप उस अपने एडुकेटर को बताओ कि मैम ये मेरी वीकनेस है इस पर्टिक्युलर मैं मेरे को जेनेटिक्स में पेडिग्री में दिक्कत आता है या लिंकेज में दिक्कत आता है मुझे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल नहीं रटे जाते मेरे से मैं कितना भी पढ़ लूँ मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं है थ्री के ऊपर मेरा स्कोर ही नहीं आता है अगर डे वन से कोई एडुकेटर आपको बहुत अच्छे से गाइड करे कि क्या कमियां हैं क्लास में लेक्चर्स के दौरान आपको बता बच्चा यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है और उस तरीके से आप नोट्स अगर बनाते जाएं और आपका एडुकेटर आपको रोज चेक भी करे कि आप कैसा काम कर रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हैं उसमें लिखा है आपने कि यहाँ से क्वेश्चन ये आता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और दूसरे बच्चे इस क्वेश्चन में इस जगह गलती करते हैं अगर इतना अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा जो डेडिकेटेड है और हार्ड वर्किंग है वो नीट में अपनी मनचा ही रैंक ला सकता है यही मेरा कुछ कॉन्सेप्ट है और भी बहुत सी चीज़ें हैं सुपर एटीज़ के अंदर ये कुछ कॉन्सेप्ट मैं सुपर एटीज़ में काम करती हूँ उसमें कुल मिला के आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी पूरी की पूरी मेरी है मैं सिर्फ बायो ही नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री भी वहाँ पर मैंटर करती हूँ पढ़ाती नहीं हूँ पढ़ाएगा कोई और मेंटर मैं वहां पर करती हूं तो आप सुपर एटीज़ के अंदर इस कोड को यूज़ करके आपके लिए दरवाज़ा यहां ये सुपर में बने रहने के लिए आपका डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए मैं रोज टारगेट देती हूँ तो रहने का तरीका है एनरोल्ड तो कर सकते हैं ठीक है इट इज अबाउट दिस चलिए फटाफट से हम लोग सेशन शुरू करते हैं भाई जल्दी जल्दी एक तो जितने भी लोग हैं प्लीज हिट द लाइक बटन और आप इस लिंक को जल्दी से जल्दी शेयर करो बेटा चलिए लास्ट सेशन में ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे ठीक है मैंने आप लोग के साथ आ, मैं के साथ मैं आपके डिस्कस कर रही थी पॉलिनेशन के अंदर भी हमने ऑटो ऑटोपोलिने सेल्फ पॉलिनेशन क्या है ऑटोगी जिसे हम कहते हैं जियटनोगी क्या है क्यों इसे जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन और इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है और आपका एलोगी यानी कि ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन जो हमें बोला जो, जो कि जेनेटिकली बात करें चाहे आप इकोलॉजिकली बात करो इट इज क्रॉस पॉलिनेशन इन ट्रू सेंस ये हम डिस्कस कर चुके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के अंदर मैं आपके साथ एनिमोफिली ठीक है जिसमें आपका पॉलिनेशन जो है वो एयर के थ्रू होता है ये मैं आपके साथ ऑलरेडी लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर चुकी हूं आज मुझे जूफिली हाइड्रोफिली वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है एनिमल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है ये सारी चीजें मैं आज के सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी आज के सेशन के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड बहुत इंपॉर्टेंट है सीड डॉर्मेंसी आपने सुना होगा सीड डोरमेंसी के ब्रेक करने के तरीके क्या हैं आपका एंट्री कैसे होता है पोलन ट्यूब का ओवरी के अंदर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है ये कुछ सारी चीजें हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज के सेशन में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाली हूं बेटा ठीक है चलिए ये तो हम हो, हो चुका था ऑलरेडी एनिमोफिली इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है नेक्टर ग्लैंड्स वगैरह ये मैं आपके साथ बता चुकी थी विंड पॉलीनेशन हो गया था हाइड्रोफिली से डिस्कस करना था मुझे याद है एनिमोफिली हो गया था ठीक है हाइड्रोफिली के साथ आज मेरे को आपके साथ स्टार्ट करना है अभी हो जाएगा वो भी एक सेकेंड हाँ जी एनिमोफिली हो गया बेटा कल एनिमोफिली मैंने डिस्कस कर लिया नेक्स्ट जो है इसके अंदर दे रखा है बहुत ध्यान से सुना बहुत सिंपल वन है बच्चा ठीक है अब बस ध्यान से अपना क्लास सुनते जाओ अब इधर उधर हमें नहीं करना है अब अच्छा। सुनो चलिए और आज सेशन के लास्ट में मेरे पास आपके लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट है और सिर्फ अनाउंसमेंट ही नहीं आपके कहे अनुसार कुछ चीजों में मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे तो आप लीजिए से सेशन के लास्ट में हम वो डिस्कशन करेंगे चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम अपना सेशन नेक्स्ट जो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इज द जू नाम से पता लग रहा है जू यानी कि एनिमल्स का रोल होगा अभी पोलन ग्रीन के ट्रांसफर के अंदर अगर आपका पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू हो रहा है तो उसे हम कहते हैं जू अब बच्चा इसमें लिख रहा है जनरली जो आपके जूफिलस प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत एक तो लार्ज होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं अट्रैक्टिव क्यों जूफिली, कोई एनिमल इसको करवाएगा ना तो एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए तो बहुत अच्छी खुशबू हो कि उस खुशबू से अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट इस फ्लार तक आए या फिर इसका कलर बहुत ही ब्यूटीफुल हो अट्रैक्टिव दिखे ये कि इसको देख इंसेक्ट इसके पास तक मतलब चला चलाए खिंचा चलाए तो ऐसे कुछ Uh, कुछ अडाप्टेशन होनी चाहिए तो जो जूफिले, जूफिली के द्वारा जिसके अंदर पॉलिनेशन होता है उसके जो फ्लावर्स होते हैं तो वो बड़े होते हैं छोटा सा पता लगा दिख ही नहीं रहा तो कैसे होगा तो लार्ज होते हैं ठीक है अट्रैक्टिव होते हैं और उनके अंदर नेक्टर ग्लाइंड प्रेजेंट होती है ठीक है नेक्टर ग्लाइंड भी प्रेजेंट होती है जैसे कि अब इसमें देखें हम बात करें एंटमोफिली जूफिली के अंदर ही टाइप है आपका एंटमोफिली एंटमोफिली में क्या होता है अगर आपका पॉलिनेशन जिस एनिमल के थ्रू हो रहा है वो एक इंसेक्ट है ठीक है कीड़ा है इंसेक्ट के थ्रू अगर आपका पॉलिनेशन होता है तो इसे हम कहते हैं एंटमोफिली ठीक है लगभग इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन लगभग 80 प्रतिशत आपके हनी बीज के थ्रू ही होता है जो मधुमक्खी होती है ना हनी बीज जो होती है ये आपके एसेंट इंसेक्ट पॉलिनेशन मतलब इन्हीं के एंटमोफिलस में बहुत सारे इंसेक्ट इन्वॉल्व लेकिन 80 ये आपका हनी ही करवाती है ठीक है और जो अधिकतर जो अधिकतर हैं ये आपके होते हैं। you, को आपके में ही होते आई को में यूटिलाइज करते हैं क्योंकि या तो इनमें स्पेशल प्रेजेंट होंगे या बहुत अट्रैक्टिव होगा कुछ इस तरीके की, की चीजें इनके अंदर होती है ठीक है जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ अडाप्टेशन को ये डेवलप करते हैं फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट इसमें क्या है देखो कुछ कुछ का टोल्ड यू कि दिखने में इतना अट्रैक्टिव हो कि इंसेक्ट खिंचा चला चलाया फिर बहुत अच्छी स्मेल अगर उसकी हो ठीक है स्पेशल अगर इसके अंदर प्रेजेंट हो तो ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल्स यहाँ दे रखा है रोज लेमन कोरिएंडर यानी कि आपका धनिया ओनियन लोबिया ये सब आपके इसके एग्जाम्पल हैं आप लोग को ध्यान होगा लास्ट सेशन में पोलन किट के बारे में जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन डिस्कस कर रहे थे बेटा मैंने पोलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस किया था मैं फटाफट से एक रिविजन करवा रही हूँ आपको थोड़ा सा ब्रश अप हो जाएगा पोलन ग्रेन्स में आपको ध्यान होगा आउटर मोस्ट लेर एक्साइन थी जो कि स्पोरोपोलनिन की बनी हुई होती थी स्पोरोपोलनिन जो कॉम्पोजिशन जो स्पोरोपोलनिन था ये बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड था इसीलिए पोलन ग्रेन्स के अंदर इतनी बेहतरीन रेजिस्टिविटी होती है इनके फॉसिल फ्यूल्स इतनी अच्छी कंडीशन में स्पोरोपोलनिन की वजह से ही पाए जाते हैं डिस्कस किया था इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है पोलन विन्स की वो इंटाइन हम कहते थे मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ जगहों पर पोलन एक्साइन की जो आउटर मोस्ट लेयर है या तो ये बहुत थिन होगी या टोटली totally एबसेंट भी होती है उसे जम्पोर हम कहते थे ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए अभी आगे वाली चीजों में आएंगी बेटा अब इसमें वो ये कह रहा है मैंने पोलन किट के बारे में भी पढ़ाया था मैंने बताया था कि जो जिन मतलब उसके अंदर पॉलिनेशन जो इंसेक्ट्स के थ्रू कराते हैं तो पोलन किट का, का काम क्या था एक तो ये हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था दूसरा ये येलो कलर का होता था ना तो येल्लो कलर आपके इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है ये इसका एक काम था आपको ध्यान आ रहा है कुछ और मैंने बताया था ये बहुत स्टिकी होता है चिपचिपा होता है तो जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इस पर बैठेगा उसके पाओं पे वो चिपक जाएगा और फिर वो जाके पॉलीनेशन में हेल्प करवाएगा ये सारी चीजें बेटा पोलन किट के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ लास्ट सेशन में डिस्कस की थी तो आपको मेरे हिसाब से ये समझ में आ रहा होगा ठीक है ये समझ में आ रहा होगा तो इसमें यह लिखा है द पोलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लार जो इंसेक्ट पॉलीनेटेड फ्लार के जो पोलन ग्रेन होते हैं दे बिकम स्टिकी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलन किट विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द लास्ट सेशन नेक्स्ट इसका स्टिग्मा जहां पर अल्टीमेटली पोल आकर लैंड करेंगे वो रफ होना चाहिए तभी तो वो यहाँ पर उसे ड्रॉप करेगा ठीक है अभी जैसे कुछ स्पेशल बता है, सम ऑफ द प्लांट्स डेवलप द स्पेशल अडाप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन जैसे लिवर पाइप मैकेनिज्म है बी एंड बम्बल बी में सेक्शुअल डेफिसिट uh, के थ्रू सूडो कॉपुलेशन के थ्रू होता है ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि सबसे पहले दे रखा है हाँ ये याद रखना मुसेंडा के अंदर एडवर्टाइजिंग फ्लैग इज प्रेजेंट फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट बस इतना ही क्या डिटेल मत भले एडवर्टाइजिंग फ्लैग मुसेंडा के अंदर प्रेजेंट होता है ये याद रखना हाँ अब ये दे रखे जैसे लीवर मैकेनिज्म या फिर हम बात करें टर्न पाइप मैकेनिज्म की लीवर मैकेनिज्म बच्चे या आपका टर्न पाइप मैकेनिज्म की हम बात करें ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है ये आपके साल्विया और सेज प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है फॉर द पॉलिनेशन याद रखिएगा लीवर और टर्न पाइप मैकेनिज्म साल्विया और सेज प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है एक्चुअली होता है क्या है मैं लैंग्वेज बाद में पढ़ाऊंगी आपको मैं आपको इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ इसका एग्जाम्स का डायग्राम नहीं दे रखा क्या इनने रुक जाओ नहीं तो फिर मैं बनाऊंगी आपको नहीं दे रखा मैं बता देती हूँ बच्चे क्या होता है मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ इसका डायग्राम नहीं दे रखा है कोई बात नहीं मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या होता है बच्चा आपका बायलेबिएट कोरोला की तरह ऐसे कुछ एक स्ट्रक्चर होता है बायलेबिएट कोरोला की तरह इस तरीके से ठीक है अब क्या होता है जैसे कोई इंसेक्ट आया वो आके यहां पर बैठेगा ठीक है तो ये लोअर लिप पर बैठा ना तो लोअर लिप थोड़ा सा नीचे झुकेगा और ये अपर लिप जो है ये आके ऐसे नीचे झुकेगा तो ये जो इसका जो इंसेक्ट का जो बैक होता है ना ये आकर इस पर पोलन ग्रेन डस्ट कर देता है ये तो स्टराइल नहीं होता है ये फर्टाइल होता है यहाँ पर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं इसके अपर लिप पर तो लोअर लिप पर आके इंसेक्ट बैठा अब इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है यहां पर आके इंसेक्ट बैठा तो ये इसको नीचे झुकाएगा तो ये भी अपर लिप भी नीचे की तरफ झुकेगा तो इसके बैक पर ये पोलन ग्रेन को डस्टअप कर देता है ये होता है लिवर पाइप और टर्न पाइप मैकेनिज्म के अंदर ये देखिए

कि भाई इस तरीके से कोरोला होता है है लोअर लिप जो है, ये आपका स्टराइल है अपर लिप फर्टाइल वन है तो लोअर लिप पर कोई इंसेक्ट आके बैठा तो ये झुकेगा तो अपर लिप भी झुकेगा तो ये झुक के क्या करता है इस इंसेक्ट के बैक पर पोलन ग्रेन को डस्टर्ब कर देता है दिस इज द लीवर पाइप और टर्न पाइप मैकेनिज्म नेक्स्ट हम बात करें बोगन विलिया अगेन इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्साम्पल्स फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बोगनविलिया की बात करें बच्चे कुछ फ्लावर्स के अंदर अट्रैक्टिव ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं मतलब उसके जो ब्रैक्ट्स होते हैं ना ये बहुत ही ब्राइट कलर्ड मतलब बहुत ही ब्राइट कलर्ड बहुत ही कलरफुल होते हैं तो उसको देख के इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है जैसे कि बोगनविलिया के अंदर होता है तो इस तरीके से पॉलिनेशन होता है ठीक है एक ये हो गया नेक्स्ट आपने कई बार हम लोगों ने इकोलॉजी में भी पढ़ा है यका फ्लार एंड प्रोनुबा मॉथ इंसेक्ट दोनों के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एक दूसरे पॉलिनेशन तो करवा ही रहा है बट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होती है बहुत डिटेल नहीं इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, यका फ्लार एंड प्रोनूबा मॉथ इंसेक्ट इसके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दोनों के बिना यानी कि एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट नहीं करते प्रोनबा मौत इंसेक्ट ही फ्लार के अंदर पॉलिनेशन करवाता है ये ये देखो प्लांट एंड रिलेशनशिप होता है है इसका प्रनुबा मौत के साथ ठीक इसके अंदर पॉलिनेशन सिर्फ इस प्रोनुबा मौत के साथ ही होता है और ये अपने अंडों को इसकी ओवरी के अंदर दे देता है तो यानी कि इसको दोनों को ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे की जरूरत है तो यका फ्लार एंड प्रोनोबा मौत इंसेक्ट वाला हो गया ये आपको ये वाला एग्जाम्पल नहीं याद रखना है नेक्स्ट ट्रैप ट्रैपडोर मैकेजमे आपके फिकस पीपल प्लांट्स के अंदर वगैरह यहां पर प्रेजेंट होता है ट्रैप डोर मैकेनिज्म फिकस स्पीशीज आप याद रखेंगे ये या आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट है वाला ठीक है वा, फिग ट्री एंड वास्पी स्पीशीज सूडो कॉपुलेशन के थ्रू होता है ये देखो ऑर्किड फ्लावर के अंदर ऑर्किड ओफायरस के अंदर ये वास्प इसमें क्या होता है इसका जो ऑर्किड का जो एक पैटर्न होता है ना ये मार्किंग्स में रिजम्बलेंस में दूर से बिल्कुल आपका फीमेल बी की तरह दिखता है तो मेल इसको देखकर अट्रैक्ट होता है सूडो कॉपुलेट करता है इस तरीके से पॉलिनेशन होता है तो सूडो कॉपुलेशन का तरीका होता है बी एंड बंबल बी रिलेशनशिप भी से कहते हैं ठीक है थीके? ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ये वाला पॉइंट नेक्स्ट मैं बता रही हूं रेफलेशिया बेटा इंपॉर्टेंट है याद रखना रेफलेशिया के अंदर बात करें तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ चुका है यहां से जो हाईलाइट करवा रही हूँ सिर्फ उतना ही करना है बाकी नहीं करना रेफलेशिया के अंदर हम लोग बात करें तो आपका पॉलिनेशन होता है कैरियन फ्लाई से और डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है एलिफेंट से दोनों याद रखना जरूरी है मेक इट अ थ्री स्टार मार्क क्वेश्चन यहां से आता है क्वेश्चन यहां से आ जाता है बेटा रेफलेशिया के अंदर क्या पूछ रहा है वो रेफलेशिया के अंदर आपका पॉलिनेशन तो कौन करवा रही है कैरियन फ्लाइज और डिस्पर्सल ऑफ़ सीड किसके थ्रू होता है एलिफेंट्स के थ्रू होता है नेक्स्ट निम्फिया वाटर लिली जिसे कहते हैं निलम्बो और एलिस्मा ये सब आपके एंड अच्छा अभी हम हाइड्रोफिली पढ़ेंगे हाइड्रोफिली की भी दो टाइप एक एपीहाइड्रोफिली है एक हाइपोहाइड्रोफिली है, एक है. तो उसमें बताता है कि पानी के अंदर जो पॉलिनेशन होता है तो जरूरी नहीं है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स एक सारे हाइड्रोफाइट्स के अंदर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली के थ्रू ही हो दूसरे तरीके से भी हो सकते हैं फॉर ये एक्वेटिक एग्जाम्पलिक्लाट्स है इंसेक्ट्स के थ्रू होता है दिस आर द थिंग ठीक है ऑरनेथोफिली सिंपल सी चीज है अगर आपका पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू इसके एग्जाम्पल बाकी इतने तो याद नहीं है अब आप छोड़ सकते हो सिर्फ नाम नाम टर्म टर्म सुन लेना ऑरनेथोफिलू अगर आपका पॉलिनेशन बर्ड्स के थ्रू हो रहा है अगर आपका पॉलिनेशन बैट के थ्रू हो रहा है तो इसे ये कहा जाता है नाम नाम याद रख लो चलेगा ठीक है मत याद रखो इसके एग्जाम्पल मिर्मेकोफिली अगर आपका पॉलिनेशन टर्माइट्स और आंट्स के थ्रू चीटियों के थ्रू हो रहा है तो इसे मिर्मेकोफिली कहते हैं ठीक है मैलकोफिली इसमें अगर आपका पॉलिनेशन स्नेल्स के थ्रू हो तो इसे हम मेरमैकोफिली बच्चा मैंने जितने एग्जाम्पल बताए डिटेल सिर्फ आप उतने की चले जाइए बाकी सबका डिटेल जाने की जरूरत नहीं इनका सिर्फ टर्मिनोलॉजीज काफ़ी है आपके लिए ठीक है ये सारी चीज़ें हैं ये आपको कुछ और नहीं करना है ये कुछ नहीं करना है ऑर्किड वाला मैंने बताई दी ऑलरेडी बी एंड बम्बल बी सूडो कॉपुलेशन ऑर्किड ट्री एंड वास्पीशीज में ये इस तरीके से होता है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये कुछ भी नहीं पढ़ना आपको फिर इन फ्लाइट्स में नेक्स्ट अच्छा यार इसमें हाइड्रोफिली नहीं आया चलो मैं ही डिस्कस कर लेती हूँ बेटा आपके साथ हाइड्रोफिली नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चा वो शायद इसने मिस कर दिया एक सेकेंड वेट अ सेकेंड जस्ट गिव मी अ सेकेंड एनसीईआरटी आप लोग खोलकर बैठते हो कि ऐसे ही बैठते हो एनसीईआरटी खोलकर टी खोल कर बैठते हो कि नहीं बैठते हो नहीं बैठते हो होंगे मेरे को ऐसा लग रहा है सुनो मैं आपको हाइड्रोफिली डिस्कस कर रही हूं हाइड्रोफिली अगर आपका पॉलिनेशन नाम से ही पता लग रहा है अगर आपका पॉलिनेशन आपके वाटर पर वाटर के अंदर हो वाटर की वजह से हो पॉलिनेटिंग एजेंट इसमें वाटर हो वैन द पॉलीनेशन इट ब्रिंग्स बाय वाटर तो इसे कहते हैं है हम हाइड्रोफिली ठीक है पॉलीनेशन किसके थ्रू हो रहा है पॉलिनेशन इट ब्रिंग्स बाय वाटर तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली के दो टाइप बच्चा है बच्चा बेहद इंपॉर्टेंट है मेक इट अ फाइव स्टार मार्क एपी हाइड्रोफिली और वैसे एनसीआरटी खोल के बैठ जाया करो एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली मेरे हिसाब से कुछ चीजें आपको नाम से ही पता लग रही होंगी एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपो हाइड्रोफिली क्या होता है बेटा सुनो सबसे पहले मैं बात करूं अगर एपी की एपी का मतलब भी आप समझ रहे हैं अगर इसके अंदर पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पर ही हो तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिली इसमें प्लांट के अंदर सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है या आपके वाटर के अंदर होती हैं लेकिन इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है बर्स्टिंग होती है उससे मेल फ्लावर अपने प्लांट बॉडी से डिटैच हो वाटर के सरफेस पर आ जाता है इसका जो फीमेल प्लांट होता है उसका भी ये पेडिकल भी लंबा होता है होती है तो अनकॉइल्ड होता है तो ये भी आपके वाटर सरफेस पर आता है और मेल प्लांट भी यहां पर आ जाता है यानी कि जो पॉलिनेशन जो हो रहा है ये ये वाटर वाटर के 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 अंदर नहीं हो रहा है। ये के के हो रहा रहा है है सरफेस ऊपर अगर आपका पॉलिनेशन वाटर सरफेस पर हो व्हेन पॉलिनेशन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ठीक है एपिहाइड्रोफिली में क्या अगर आपका पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पर हो रहा है बच्चे अगर आपका पॉलिनेशन वन पॉलिनेशन टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर ऑन वॉटर सरफेस अगर आपका पॉलिनेशन वॉटर सरफेस पर हो रहा है तो इसे हम कहते हैं एपी हाइड्रोफिली ठीक है इसको कहा जाता है एपी हाइड्रोफिली इंपॉर्टेंट है बेटा याद रखना है एनसीआरटी में देखो आपको एग्जाम्पल भी देखा है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अंदर होंगी बस पॉलिनेशन वाटर सरफेस पर होता है एपीहाइड्रोफिली में इसके दो एग्जाम्पल वेलिसनेरिया एंड रूपिया बेहद एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी में एज इट इज लिखा वेलिसनेरिया एंड रूपिया ठीक है ये आपके एग्जाम्पल है एपीहाइड्रोफिली के ठीक है इसमें पॉलिनेशन

इट इज़ द हाइपोहाइड्रोफिली हाइपोहाइड्रोफिली क्या होता है बच्चा ये देखो अगर आपका पॉलिनेशन वॉटर के अंदर ही हो वेन द पॉलिनेशन टेक प्लेस इन साइड द वॉटर जैसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं जैसे कि नाजास जोस्टेरा उसके अंदर सीग्रास जिसे कहते हैं हाइड्रेला के अंदर इसी तरीके से होता है वेन पॉलिनेशन टेक प्लेस अगर आपका पॉलिनेशन वन पॉलिनेशन टेक प्लेस वन पॉलिनेशन टेक प्लेस इनसाइड द वॉटर पानी के अंदर ही अगर आपका पॉलिनेशन हो तो इट इज द हाइपोहाइड्रोफिली इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग लिखेंगे एक तो हाइड्रेला है हाइड्रेला एक तो इसका एग्जाम्पल है सी ग्रासेस के अंदर नाजास जोस्टेरा जोस्टेरा ग्रास कहते हैं इसे। बच्चे एनसीईआरटी में दे रखा है मस्ट है अच्छा एक और क्रेटोफाइलम करके भी एक एग्जाम्पल है ये भी आप याद रखना फाइलम ये एग्जाम्पल आप याद रख लोगे ठीक है क्लियर है बच्चा ये सब आपको एक साथ याद रखना है ये आपको ध्यान रखना है हाइड्रोफिली के बारे में यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल सी चीज एज इट इज आपको आपके एनसीआरटी में मिलेगा हाइड्रोफिली अच्छा एक और चीज जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हाइड्रोफिली वाटर से रिलेटेड है ना लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन हाइड्रोफिलस तरीके से ही होता हो जैसे कि निम्फिया वगैरह के तो एग्जाम्पल भी बताया एंटेमोफिलस भी होते हैं तो अलग तरीके से भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि सभी एक्वेटिक प्लांट्स हाइड्रोफिलस तरीके से ही हो हाइड्रोफिली के दो टाइप यानी कि वॉटर के सरफेस पर पॉलिनेशन हो रहा है और हाइपोहाइड्रोफिली यानी कि वॉटर के अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है इसके एग्जाम्पल याद रखोगे आपके हाइपोहाइड्रोफिली की एग्जाम्पल है तो यहां पर हम लोग सारा ये डिस्कस कर चुके हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट देखो डायग्राम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी वैसे बहुत ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ फर्टिलाइजेशन जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे प्लांट डाइवर्सिटी की प्लांट किंगडम की क्लासेस लगाई होंगी आपको ध्यान होगा हमने वहां पर ही एक चीज डिस्कस की थी कि एनजीओ के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ये इनके अंदर प्रेजेंट होता है डिस्कस भी किया था कि वहां पर तो जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है ये फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता था तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर था

मोनोट्रेपा प्लांट के अंदर देखा था अब देखो इसके अंदर किस तरीके से फर्टिलाइजेशन में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं तो सबसे पहले अभी आपका पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो चुका है ठीक है पोलन आप अपनी एनसीआरटी में देखोगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करके एक स्टेप दिया होगा पहले समझ लो फिर आप एनसीआरटी की रीडिंग लगाना एक झटके में क्लियर हो जाएगी तो बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चा हम लोग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन की बात करें तो आपको पता है पॉलीनेशन हुआ पॉलीनेशन के बाद एंथर से आपका पोलन ग्रीन निकल के स्टिग्मा पर आ चुका है

उसके तो बाद पोलन ग्रेन्स आपके किस पर पोलन ग्रेन्स जो है आपके स्टिग्मा पर जर्मिनेट करते हैं फिर मैंने बताया स्टिग्मा पर क्या करते हैं ये वाटर का शुगर कंटेंट और मॉइस्चर को करके ये स्वेलअप हो जाएंगे साइज इंक्रीज होगा तो इस वजह से एंटाइन जो इनर लेयर है पोलन ग्रेन की हमने डिस्कस किया था जो की बनी हुई थी तो जो एंटाइन है वो किसी एक जम्पोर के थ्रू जम्पोर क्या है मैंने बताया था कि एग्जाइन की जो लेयर होती है ये कई जगहों पर बहुत थिन या टोटली एब्सेंट होती है जिसे हम इंटा जम्पोर कह रहे थे तो इंटाइन किसी एक जम पोर के थ्रू नाउ द इंटाइन ऑफ द पोलन ग्रेन किसी भी एक जम के थ्रू जर्मिनल पोर के थ्रू इट कम आउट ये बाहर की तरफ आएगा इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब लाइक आउट ग्रोथ इसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ गया यानी कि अभी पोलन ट्यूब आ गई अब क्या होता है उसके बाद बच्चा अब ये जो पोलन ट्यूब है इसमें एक होती है मोनोसिफनस कंडीशन इसमें कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे एक तो बच्चा मोनोसिफनस कंडीशन

कुछ के अंदर एक से ज्यादा पोलन ट्यूब मोर देन वन पोलन ट्यूब डेवलप होती है मोर देन वन यानी कि कंडीशन जो आपके कुकुर बेटे फैमिली के अंदर होती है तो ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए व्हाट इज द मोनोसिफिनस कंडीशन एंड व्हाट इज द पॉलीसिफिनस कंडीशन मोनो कल का लेक्चर नहीं लिया होगा तो समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा ठीक है ये आपको आना ही चाहिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स समझ में आ रहा है बच्चों कल का सेशन लिया होगा तो समझ में आप रिलेट कर पा क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ट्यूब जी चलो क्लियर क्लियर हाँ जी चलिए शुरू कर हैं। तो आपका जब पोलन ट्यूब जो है मोनोसेफनस पॉलीसेफनस कंडीशन समझ गए मोनो यानी कि एक पॉली मतलब एक से ज्यादा

फिर अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ था तो लार्ज की थी पोलन ट्यूब में सबसे पहले वेजिटेटिव सेल एंटर करता जो तो टर्मिनल पोजीशन पर होता है हमने डिस्कस किया था तो क्या कह रहा है वो कि जैसे ही आपका पोलन ट्यूब ये सब लास्ट सेशन में क्लियर हुआ है अगर पढ़ा होगा तो भाई जिसने भी नहीं देखा मेक इट श्योर कल का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मैराथन के नाम से सेशन मिलेगा उसे जरूर देखना है ठीक है ठीक है चलो अब क्या कह रहा है कि अब जैसे ही आपका पोलन ट्यूब जो है आपके स्टिग्मा से स्टाइल की तरफ आता है तो सबसे पहले क्या होता है आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस उसके अंदर एंटर करेगा पोलन ट्यूब के अंदर तो ऑब्वियसली बात है इसकी टर्मिनल पोजीशन पर हो जाएगा और उसके वेजिटेटिव न्यूक्लियस के जस्ट बाद ही आपका जनरेटिव सेल जो है ये इसके अंदर एंटर करता है पर ही होता है जो ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अब वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या करता है इस, इस पोलन ट्यूब की कितनी ग्रोथ होनी है प्रेजेंट है इसको कंट्रोल करने का काम वेजिटेटिव न्यूक्लियस करता है और जो जनरेटिव सेल है मैंने बात भी की थी थ्री स्टेज जनरेटिव सेल में डिवीजन होता है दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन ये कर लेता है दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेता है और ये ये जो 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 दोनों मेल है, as I told you, जो मेल गैमेट गैमेट है बनते हैं इस से ये होते हैं इसके डिवीजन से नॉन मोटाइल होते तो दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट बन गए यानी कि कुल मिला के अभी पोलन ट्यूब के अंदर एक तो आपका वेजिटेटिव सेल है ठीक है जो टर्मिनल पोजिशन पे है और दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट प्रेजेंट है क्योंकि जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया है अब वैसे तो मैं ये मिनरल न्यूट्रिशन में भी पढ़ाती हूँ बट यहाँ पे याद रखना है कि जो पोलन ट्यूब है ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ से क्वेश्चन आता है बोरोन और आपके जो कैल्शियम आयन है दे आर असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ये पोलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और सबसे बेहतरीन टेम्परेचर जो होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब ये बीस से तीस डिग्री सेल्सियस पर होता है ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है एलिमेंट फॉर द द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इट इज बोरोन एंड कैल्शियम ये पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस सबसे सुटेबल टेम्परेचर होता है ठीक है अब वो क्या कह रहा है अभी इतना हो गया अब पोलन ट्यूब का एंट्री देखो ये स्टिग्मा ये स्टाइल ये ओवरी अब ये ओव्यू स्टिग्मा तक आया अब पोलन ट्यूब जो है ये ओव्यूल के अंदर किस तरीके से एंटर करता है अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट सेशन ध्यान होगा तो आप रिलेट कर पाओगे बहुत अच्छे से बच्चे ठीक है तो सुनिए अब आप क्या होता है इट इज नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल फाइनली क्या होता है आपका पोलन ट्यूब जो है अब आपके ओवरी के अंदर एंटर करता है जैसे ही ओव्यूल इनसाइड साइड द ओवरी ओवरी के अंदर ऑप्चुर के अंदर ओव्यूल मतलब के, के अंदर जो पोलन ट्यूब की एंट्री होती है ना आप ये सब छोड़ो ओव्यूल के अंदर जो आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री होगी इसके तीन तरीके हैं तीन रास्ते से पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर हो सकता है क्या क्या देखो पहले में आपको डायरेक्टली डायग्राम से बता देती हूं। तीन तरीके हैं इसके। एक है प्रोगी एक है एक है है? क्या होता है? अगर आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री पाइल की तरफ से हो रही है कहां से अगर आपके पोलन ट्यूब का जो एंट्री है अगर आपके सॉरी अगर आपके पोलन ट्यूब का एंट्री माइक्रोपाइल रीजन से हो रहा है तो इसे हम कहेंगे प्रोगी विच यू कैन सी ये देखिए पोलन ट्यूब का एंट्री यहां से माइक्रोपाइल की तरफ से हो रहा है अगर आपके पोलन ट्यूब का एंट्री चलेजा की साइड से हो चलेजा की साइड से अगर एंट्री हो तो इसे हम चैलेजोगी कहेंगे और अगर आपके माइक्रोपाइल की एंट्री इंटेग्यूमेंट या फनिकुलस के थ्रू से हो इंटेगमेंट और फनिकल यहां से हो तो इसे कहेंगे मीजोगी ये तीन तरीके होते हैं ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब के एंट्री के ये माइक्रोपाइल साइड से भी कर सकती है ये साइड से भी एंट्री कर सकती है या फिर ये इंटेग्यूमेंट्स और आपके फनिकुलस साइड से भी एंटर कर सकती है अगर माइक्रोपाइल साइड से एंट्री करेगी तो प्रोगी चैलेजा की साइड से एंट्री करती है तो सॉरी चैलेजोगी और अगर इंटेग्यूमेंट और फनिकलस के थ्रू एंट्री करती है तो इट इज दीजो गैमी जो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा ठीक है क्लास का कल का सेशन नहीं लगाया होगा तो नहीं आ रहा होगा उन्हीं को नहीं आएगा बाकी किसी को नहीं आएगा अजित गुप्ता बिल्कुल सिंपल की अब पोलन ट्यूब के एंट्री ओव्यूल के अंदर कैसे होती है यह बता रहे थे तो तीन रास्ते हैं पोलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर घुसने का

इन दिस पोलन ट्यूब प्रोग्रामी में पोलन ट्यूब एंटर होता है आपके ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल की तरफ से ठीक है इसे प्रोग्रामी कहते हैं और कैप्सिला के अंदर मोस्ट ऑफ द एनजीओ पम्प के अंदर इसी तरीके से होता है याद रखना कैप्सिला के अंदर और मोस्ट ऑफ द एनजीओ पम्प में एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन टू ओव्यूल इट इज थ्रू द प्रोगी चैलेजोगी में क्या होता है आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर कहां से होगी चैलेजा से होगी बस बाकी नहीं मीजोगी में क्या होता है इसमें पोलन ट्यूब की एंट्री आपके ओव्यूल के अंदर या तो इंटेग्यूमेंट या फिर फनीकुलस के थ्रू होगी और थ्रू द फनीकुलस ये आपका हो गया मीजोगी जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूं बच्चा ठीक है क्लियर हो गया चलिए नेक्स्ट अब इसके हम बात करें ये ये तो हमने ओव्यूल के अंदर एंटर कर ली अब हम बात करेंगे कि अब आपका पोलन ट्यूब एम्ब्रिय के अंदर कैसे एंटर करता है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर तो मीजोगी मतलब कुल मिला के माइक्रोपाइल चलेजा एंटेगमेंट फिनेकल कहीं से भी एंटर कर ले। लेकिन एम्ब्रियस में पोलन ट्यूब क्या एंटर करने का एक ही तरीका है ध्यान करो लास्ट सेशन मैंने आपको फिलीफॉर्म सिनर्जिट्स क्या होता है डिस्कस किया था मैंने बताया था कि वो केमिकल सब्सटेंस को सीक्रीट करता है मैंने ये भी बताया था कि पोलन ट्यूब की एंट्री इसी डिजनरेटिंग सीनर्जिट के थ्रू ही होती है याद होना चाहिए लास्ट सेशन में डिस्कस किया था मैंने हाईलाइट भी करवाया था तो वो क्या कह रहा है पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर तो कई रास्ते हैं उसके अंदर एंटर होने के लेकिन ये आपके एम्ब्रियोसैक्ट के अंदर केवल और केवल एग ऑपरेटस के थ्रू ही एंटर हो सकता है एग ऑपरेटस में क्या था आपको ध्यान है माइक्रोपाइलर साइड पर तीन सेल थी दो छोटी एक बड़ी एक बड़ी इज द एग सेल दो छोटी सिनर्जेट्स थी और इन दोनों को एग सेल प्लस सिनर्जेट्स इन्हें कलेक्टिवली एग ऑपरेटस कहा जाता था अगर आपको लास्ट सेशन ध्यान है तो क्लियर होगा एग और सिनर्जिट्स को कलेक्टिवली एग ऑपरेटस कहा जाता था तो इसी के थ्रू इस एग ऐपरेटर्स के थ्रू ही एम्ब्रियोसेक के अंदर आपका पोलन ट्यूब एंटर कर सकता है अदरवाइज नहीं कर पाएगा यही एकमात्र रास्ता है अब एग ऑपरेटर्स की बात की तो एज आई टोल्ड यू एग इट इज द इसमें आपके एक तो एग सेल होगी और आपके दो से होंगे तो क्या होता है देखो आफ्टर द एंट्रेंस इन साइड दूल ओव्यूल में जैसे ही ये पोलन ट्यूब एंटर की और जैसे ये आपके एम्ब्रियोसेक की तरफ बढ़ रही होती है इट ग्रोज टू वर्ड द एग एपरेटर्स एग एपरेटस की तरफ ये ऐड कर जब बढ़ रही होती है तो जो दो सिनर्जेट्स होते हैं ना उसमें से एक सिनर्जेट डीजनरेट हो जाता है तो बिकॉज़ सिनर्जेट सेल्स क्योंकि अच्छा और जैसे ये पोलन ट्यूब आपके ओव्यूल में एंटर किया मैंने बताया ये आपके एग एपरेटस की तरफ ही मूव कर रहा है एग एपरेटस की तरफ ही क्यों मूव कर तरफ ही क्यों मूव करता है लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अपनीक्ट करता है मैंने बताया था किमोट्राफिक मूवमेंट होता है पोलन ट्यूब का केमिकल सब्सटेंस अट्रैक्ट करता है इसलिए मैंने बोला था कि वहां पर पोलन ट्यूब की एंट्री डीजनरेटिंग के थ्रू होती लास्ट सेशन में डिस्कस किया था सिनरजिट्स जो है

पोलन ट्यूब शो टोल्ड यू की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो को करता है है के अंदर क्या कर रहा अब दो ना उनमें से कोई भी एक एक सीनर्जिट जो है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाएगा जब पोलन ट्यूब एंटर करने लगेगा एग्ज के पास जैसे ही आता है तो एक सीनर्जिट डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और इसी डिजनरेटिंग के थ्रू द पोलन ट्यूब एंटर इन टू द एम्ब्रियोसैक्ट थ्रू द डी जेनरेटिंग के थ्रू पोलन ट्यूब आपके embryo sac के अंदर एंटर करती है मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा यहां तक क्लियर है बच्चा चलो तो अब ये एंटर कर गया अब वो क्या कह रहा है अब जैसे ही पोलन ट्यूब का जो टिप है जहां पर वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट यह आपके एम्ब्रियोसेक के अंदर एंटर करता है जो आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो टू डी जनरेट हो जाता है और आपका पोलन ट्यूब का जो टिप है ये भी फूल जाएगा और फैलअप होने की वजह से बस्त हो जाता है फट जाता है अब अगर आपका पोलन ट्यूब फट गया है अंदर जाके तो पोलन ट्यूब के अंदर जो भी मटेरियल था क्या था वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो डी हो गया और जनरेटिव सेल से डिविजन से दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट थे वो सब रिलीज़ हो जाएंगे अब तो ये देखो द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब एंड बर्स्ट और इसकी वजह से क्या होगा एम्ब्रियोसेक में जाने के बाद ये बस्ट हो गया तो के अंदर ये पोलन ट्यूब के अंदर जितना भी कंटेंट था इंक्लूडिंग बोथ द मेल गैमेट यह आपके डिजेनरेटिंग जाके ये आपके रिलीज हो जाते हैं समझ में आया क्या हो रहा है देखो पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल के अंदर तो माइक्रोपाइल साइड से भी हो सकती है चलेजा की साइड से भी हो सकती है और दो जो इंटेग्यूमेंट या फेनिकल्स होते हैं वहीं से भी हो सकती है लेकिन पोलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक के अंदर खाली एग एपरेटस के थ्रू ही होती है एग एपरेटस क्या है? मैंने बताया था माइक्रोपाइलर साइड पर तीन सेल्स थी एक बड़ी सेल को एग सेल बोला दो छोटी सेल्स को सिनरजेट बोला एंड डे आर एज द एग एपरेटस तो क्या होता कैसे होता है ये मैंने बताया कि भाई जैसे ही पोलन ट्यूब आपके ओव्यूल में एंटर करता है ना तुरंत बाद क्या होता है जब ये आपके एग ऑपरेटर्स की तरफ मूव करने लगता है क्यों करता है एग ऑपरेटर्स -like काम था केमिकल सब्सटेंस को सिक्रिएट करता था ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसलिए पोलन ट्यूब यहाँ से आई यानी कि कीमोट्राफिक मूवमेंट शो करती है तो जब पोलन ट्यूब अब इसकी तरफ आ रही है इसकी तरफ बढ़ रही है तो क्या होगा आपका बढ़ते तो एक दो में से कोई एक एनर्जी डीजनरेट हो जाएगा और डीजनरेट्स एनर्जी के थ्रू पोलन ट्यूब अंदर एंटर करेगी तो जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करती है तो टिप पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस का ये बर्स्ट हो जाता है इसकी वजह से क्या होगा जो टिप है पोलन ट्यूब का वो स्वेलअप हो गया और स्वेलअप होकर वो भी बर्स्ट हो जाता है तो उसके अंदर जो मैटर था क्या बचा दो मेल गैमेट्स थे ना वो आपके इसके अंदर रिलीज हो जाते हैं तो इसके जो दो मेल गैमेट रिलीज हुआ टू डार्क ग्रैन्यूल्स

पोलर न्यूक्लिया क्या है ध्यान है ना आपको सेंटर में दो न्यूक्लिया का फ्यूजन हो रहा था उसको पोलार न्यूक्लिया सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या था वो सब आपको मेरे हिसाब से क्लियर होगा अब क्या होता है वो देखो फ्यूजन ऑफ गैमेट कैसे होता है बिफोर और आफ्टर द एंट्रेंस ऑफ पोलन ट्यूब इन टू द एम्ब्रिय एम्ब्रियक में पोलन ट्यूब के एंट्री करने से पहले या बाद में आपके जो दोनों पोलार न्यूक्लिया होते हैं ना सेंट्रल सेल के मैंने आपको याद होगा ध्यान में क्लास में बताया भी था को जिस तरीके से सेवन सेल एट न्यूक्टेड स्ट्रक्चर बना था ना ध्यान आ रहा होगा कल का सेशन लिया होगा तो फिर मैंने बताया था ये जो दो सेंट्रल न्यूक्लियस है इन्हें पोलर न्यूक्लिया कहते हैं और मैंने वहीं पढ़ाया था कि जस्ट बिफोर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये पोलर न्यूक्लिया भी फ्यूज हो जाते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो यही कह रहा है वो क्या कह रहा है अब कि आपके बोथ द पोलर न्यूक्लिया आपस में फ्यूज होके एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते थे ये ध्यान है ना आपको फ्यूजन से सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता था तो ये फ्यूज़ तो हो गया लेकिन स्ट्रक्चर तो टू एन ही होगा तो अब क्या होता है अब जो दो मेल गैमिट पड़े हैं उसके अंदर क्योंकि पोलन ट्यूब बस्ट हो गई थी ना तो दो मेल गैमिट है एक मेल गैमिट तो आके इस एग सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा वन मेल गैमिट ये तो एग सेल को फर्टिलाइज करके मेल गैमिट एंड एग सेल एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज द गॉड और जो एक और मेल गैमेट रह गया वो क्या करता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी न्यूक्लियस यानी कि यहां पर फर्टिलाइजेशन दो बार हुआ ना एक तो मेल गैमेट का एग के साथ दूसरा मेल गैमेट का इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म ये देखो

ई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स भाई कॉमेंट बॉक्स में बताओ सबको क्लियर है कि नहीं है देख लो एनसीआर में लिखी हुई है ये लाइन और बेहद इंपॉर्टेंट है कई बार क्वेश्चन आता है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनजियोस्पम या क्लियर है सबको चलिए हम्म hmm. चलिए ट्रिपल फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया बच्चा क्वेश्चन आता है क्योंकि यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट जो है ये देखो ये हो गया नेक्स्ट रहा है

और एक सिनर्जिट रह गया तो ये सब डिजेनरेट हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद और एट दिस टाइम अब जो जायॉट जो मिलता है ये अपना फूड कहां से लेता है सिनर्जिट एंड एंटीपोडल सेल से ये अपने फूड को जयगॉट कहां से लेता है बच्चा कहां से लेता है डिजेनरेटिंग सिनर्जिट और एंटीपोडल सेल से ठीक है हो गया चलिए ये पॉइंट इसके अंदर था ठीक एक -एक है एक ये रखा है क्या होता है अभी आपने मैंने आपके साथ डिस्कस किया जनरेटिव सेल से जो दो मेल बने थे दोनों, की दोनों थे, तो अगर आपका फर्टिलाइजेशन, दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट आपके फीमेल तक पहुंचते हो थ्रू द पोलन ट्यूब इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है स्फेनो टर्म का मतलब याद रखिएगा बच्चा स्फिनोगी क्या होता है नॉन मोटाइल मेल गैमेट का पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमेट तक पहुंचना इसी को हम कहते हैं स्फिनो ठीक है दो मतलब नॉन मोटाइल मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना किसके थ्रू पोलन ट्यूब के थ्रू इसको हमने कह दिया है फेनो ठीक है

और मोनोकॉर्ट्स के अंदर क्या होता है और सीड ये क्योंकि ये टॉपिक बच्चा इंपॉर्टेंट है ये भी जो है ठीक है ये पूरा होगा नहीं इससे ठीक है ये पूरा नहीं हो पाएगा आज के सेशन में इसीलिए थैंक यू सो मच रूहानी इसीलिए मैं ऐसे अपने नेक्स्ट सेशन में प्रोसीड करूँगी नेक्स्ट सेशन में हम ये कंप्लीट कर देंगे अब अनाउंसमेंट सुन लीजिए आपके लिए जो अनाउंसमेंट लेकर आई हूं मैं ठीक है अब सुनो ये बात नेक्स्ट सेशन के अंदर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक्चुअली मुझे तो मैराथन में करना था लेकिन एज आई टोल्ड यू कि उस दिन वो लाइट वाइट का वो सारी दुनिया भर की दिक्कतें हमारी हो गई इसलिए हम नहीं कर पाए कोई बात नहीं ये एक नॉर्मल सेशन की तरह चल गया अब मैंने जो आपको बता रही हूँ वो आप सुन लो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देखो कल का जो सेशन होगा बच्चा ये तो नॉर्मल सेशन ही होगा कल के सेशन में आज का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है यानी कि कल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हो जाएगा बहुत ध्यान से सुनो और मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आऊंगी अब आपके पास कल कल रात को अब मैं क्या बोल रही हूं अभी फिर पूरा प्लान मैं पूरे महीने भर का डिस्कस कर लूंगी मेरा क्या रोल रहेगा आपको कैसे करना है मैं? तो मैंने क्या बताया कि कल चार बजे वाला जो सेशन होगा उसके अंदर हम ये कंप्लीट कर लेंगे डे आफ्टर टुमोरो मैराथन सेशन है कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी का पूरा प्लांट फिजियोलॉजी एक सेशन में हम करेंगे अब जब तक सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आपको टाइम मिल जाएगा तो कल तो हमने कल तो हम इसी को जनरल सेशन चलाएंगे डे आफ्टर टुमारो मैं प्लांट फिजियोलॉजी का मैराथन आपके लिए लेकर आऊंगी और उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी के मैराथन के जस्ट बाद बच्चा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए और भविष्य में जितने भी पूछे जाएंगे और आपको अपना नॉलेज टेस्ट भी हो जाएगा कि अपन ने कितना कुछ कैसे कैप्चर किया है तो बी रेडी फॉर दैट उसके बाद उसका टेस्ट होगा अभी शाम को छह बजे जो है प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ही ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको करवाने वाली हूँ और बी रेडी फॉर दैट डे आफ्टर टुमारो एक दिन में मैं जो यूनिट डिस्कस करूंगी इस चीज को मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन मेरे मैराथन सीरीज के बाहर एग्जाम में जाने वाला नहीं है तो इतना जंप से लगा लगा के हम इसमें तैयारी इतनी बेहतरीन करेंगे और क्लास में सारी चीजें समझ में आ जाए और याद हो जाए इस चीज की जिम्मेदारी भी मैं आपकी लेती हूँ तो प्लांट फिजियोलॉजी के हम लोग लिए मिलेंगे डे आफ्टर टुमारो प्लांट फिजियोलॉजी का मैराथन होगा कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और प्लांट फिजियोलॉजी के तुरंत खत्म होते ही सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मैराथन सीरीज इसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे और फिर तैयार रहिएगा नेक्स्ट मैराथन के लिए जो जिसके अंदर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ करवाने वाली हूँ ठीक है उसके एक दिन बाद और फिर आपको दो दिन का गैप मिलेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ चलेगा फिर जैसे ही प्लांट फिजियोलॉजी के मैराथन को कंप्लीट हुए दो दिन हो जाएंगे मैं उसके बाद उसका टेस्ट आपसे लूंगी ठीक है कितने बजे होगा मैराथन मैराथन प्लांट फिज देखो कल तो सेम टाइम पर क्लास चलेगी मैराथन भी शायद मैं सोच रही हूँ अच्छा आप मुझे बताओ आपका कोई पर्टिकुलर टाइम है क्या आप कोई पर्टिकुलर टाइम चाहते हो क्या और मुझे कमेंट बॉक्स में जितने भी लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं जो आएंगे जो सेशन अटेंड करेंगे प्रेजेंट लगाओगे मैं बहुत अच्छी सीरीज आपके लिए लेकर आ रही हूँ अगर आपके लर्नर्स नहीं बढ़े बेटा तो फिर तो फिर समझ लो ये सीरीज बंद हो जाएगी ठीक है ह्यूमन फिजियोलॉजी जो भी चाहिए ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत डिमांडेड है तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही पार्ट है वैसे तो उसके बाद हम लोग कर लेंगे उसके बाद हम लोग कर लेंगे डोंट वरी अबाउट दैट सेक्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी में लेकर आऊंगी उसके बाद मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी ही ले आऊंगी आपके लिए लेकिन उससे पहले मेरी शर्तों पे खड़ी उतरना पड़ेगा आपको चार से सात चार से सात भैया तीन घंटे में नहीं होगा पूरा प्लान फिजियोलॉजी पहले तो मैं आपको ये बता दू थोड़ा सा एक्सीड करना पड़ेगा अरे मॉर्निंग चार बजे नहीं आ, देखते हैं या तो फिर टाइमिंग्स भी लगते ना सबसे पहले प्रेजेंट लगाओगे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे और प्लीज़ हिट द लाइक बटन लाइक करोगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो इस लिंक को और मैराथन में नंबर ऑफ लाइव लर्नर्स देख लो तुम 700 से 1k के बीच में नहीं लाए तो भूल जाना कि क्लास चलने वाली है ठीक है सेवन एम मॉर्निंग इसलिए नहीं हो सकता मेरी प्लस पर सेशन है नौ बजे तो वो मैं नहीं छोड़ पाऊंगी ठीक है तो चार बजे की जगह हो सकता है हम लोग तीन बजे से शुरू कर दे तीन बजे से शुरू करेंगे चार पाँच छः चार पांच छह सात सात आठ बजे तक कंप्लीट कर देंगे शायद मैं बजे से शुरू करूंगी ठीक है तीन बजे से शुरू कर लेंगे हम ठीक है ह्यूमन फिजियोलॉजी जो चल रहा था मैराथन हुआ उसके बाद बच्चा जैसे सेक्शुअल रिपोर्डक्शन फ्लावरिंग प्लांट होता है तो मैराथन का छूट गया अदरवाइज ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही दूसरा चैप्टर चलता वो नॉर्मल सेशन में चलता रहेगा और मैं कुछ और लेकर आऊंगी जिससे कि आप एकदम से जी बिल्कुल कल आओ कल मैं शाम चार बजे सेम इसी टाइम पर मैं आपको मिलूंगी और अभी वापस छह बजे आ रही हूँ छह बजे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज भैया मस्ट वॉच सीरीज है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में मैं हर चैप्टर से क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ आपके जो चैप्टर जैसे मैंने प्लांट डाइवर्सिटी कंप्लीट कर लिया है जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया मान लो सिक्सटी सेवेंटी परसेंट एग्जैक्ट हिट रेट इन मेरे मैराथन ये जो सीरीज चल रही है यहीं से होगा मस्ट वॉच वीडियोज है बेटा इनको मत मिस करो ठीक है चलिए थैंक यू सो मच गाइस कल मिलते हैं वापस से ठीक है कल नहीं अभी शाम को छः बजे में आ रही हूँ पहले तो आप मुझे छः बजे मिलो आप मुझे यहाँ पर अनअकेडमी डॉट कॉम एट द रेट शिवानी वन नाइन नाइन ज़ीरो पर फॉलो कर सकते हैं जितने भी बच्चे हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करोगे और अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मैं और मेरे साथ इंडिया के 40 प्लस टॉप एडुकेटर्स एंड एकेडमी प्लस पर पढ़ाते हैं और जस्ट विद सिंगल सब्सक्रिप्शन सब आपके लिए अनलॉक होने वाले हैं तो आप हमारे साथ प्लस पर जुड़कर पर्सनल अटेंशन के लिए हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आने के लिए आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं तो आपको सिंपल सा जब प्लस का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे सब्सक्राइब करते वक्त इसी कोड से आप सब्सक्रिप्शन लेंगे शिवानी इससे आपको आपकी फीस पर दस परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा प्लस आप सीधा मेरे मेंटरशिप में मेरे गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर आ जाएंगे और मैं पूरे साल भर आपको आपके नीट की प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली हूं और मेरे सुपर एटीज का पार्ट भी इसका दरवाजा यहीं से खुलता है आपने कोड से सब्सक्रिप्शन लिया आप मेरे सुपर एटीज का पार्ट बन जाएंगे लेकिन सिर्फ पार्ट बनने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है सिलेक्शन के लिए और पार्ट रहोगे भी नहीं सिलेक्शन नहीं है तो पार्ट भी नहीं रहोगे सिर्फ मुझे डेडिकेटेड और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट की टीम चाहिए अगर आप डेडिकेटेड हैं आप हार्ड वर्किंग करने को तैयार हैं जो टारगेट्स में आपको दूंगी आप उनको हिट करने के लिए किसी मैटर की जरूरत है सारा मैटर मैं अवेलेबल करवा रही हूँ तो आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है इन माई सुपर इट इज बैच यू कैन सब्सक्राइब टू आर प्लस चैनल यूजिंग दिस कोड शिवानी थैंक यू सो मच गाइज बाय एवरी